दमण साइबर पोलीसे आंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेटनो पर्दाफाश करी एक नाइजेरियननी दिल्लीथी धरपकड़ करी छे। पकड़ायेल आरोपी फेसबुक व्हाट्सएप जेवा सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोको साथे दोस्ती करी मोंघी गिफ्टनी लालच आपी एटीएम कार्ड बैंकनी विगतो मांगी पैसा उपाड़ी फ्रॉड करतो हतो। पोलीस तपासमां तेमनी पासेथी नकली पासपोर्ट अने 12 जेटला फोन सहितनी सामग्री मळी आवी छे। आ चकચાર जगावता केस अंगे दमण पोलीसे विगत आपी हती कि एक फरियादीए जाण करी के तेना फेसबुक एकाउंट पर फिलिप नामना व्यक्तिनी फ्रेंड रिक्वेस्ट ने एक्सेप्ट करी हती, जे बाद थोड़ा दिवसों पछी ते व्यक्तिए तेने 1,39,00,000 रुपयानी मोंघी गिफ्ट मोकली होवानुं जणाव्युं हतुं। जेना बीजा दिवसे कस्टम ऑफिसरनो फोन आव्यो हतो के भेट खूब मोंघी छे, આથી તેણે કસ્ટમ ક્લિયરન્સ માટે રૂપિયા 1,000,000 ભરવા પડશે, જે પૈસા મોકલ્યા બાદ છેલ્લા 1 વર્ષથી તેને કોઈ ગિફ્ટ મળી નથી। જે ફરિયાદ આધારે દમણ પોલીસે ગુનો નોંધી શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓની વિગતોનું પૃથ્થકરણ કરતા એક વિશાળ નેટવર્કની જાણકારી મળી હતી અને જાણવા મળ્યું હતું કે નવી દિલ્હીમાં મોહન ગાર્ડન, ઉત્તમનગર, મહાવીર એન્કલેવ અને ચંદ્રવિહારના વિવિધ વિસ્તારોના કેટલાક એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડવામાં આવ્યા છે। દમણ પોલીસે દિલ્હી જઈ આરોપી બેસિલ એડેકને કુરિયર મેળવતી વખતે રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યો હતો, જેને 2 નેપાળ બેંકના એટીએમ કાર્ડ અને 1 આંતરરાષ્ટ્રીય સિમ કાર્ડ સહિત 12 ડેબિટ એટીએમ કાર્ડ્સ, 14 સિમ કાર્ડ, 12 મોબાઈલ ફોન, 6 ડોંગલ્સ, બેંક ચેકબુક સહિતની સામગ્રી સાથે ધરપકડ કરી દમણ લાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે પકડાયેલ આરોપી બેસિલ એડેક પાસેથી નકલી પાસપોર્ટ પણ જપ્ત કર્યો છે। પોલીસ પાસે તેમનો કોઈ ફોટો કે ઓળખ પુરાવા નહીં હોવા છતાં પણ દિલ્હીથી ફેલાતા સાયબર છેતરપિંડીના ઊંડા મૂળને બહાર કાઢ્યા છે। આ સાયબર છેતરપિંડીના ગુનામાં અન્ય નાઇજીરિયન નાગરિકો સામેલ છે, જે આવા ગુના આચરી ભારતીય નાગરિકોના મહેનતના પૈસાને છીનવી લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેના પર રોક લગાવવા આવા લોકોને દબોચી લેવા વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। નાની દમણ પોલીસ સ્ટેશન કે અંદર એક શિકાયતકર્તાને એક કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ કરી, જિસમે ઉસને બતાયા કે ફેસબુક કે માધ્યમ સે એક વ્યક્તિને ઉસકો એક રિક્વેસ્ટ ભેજી, જિસે ઉસને એક્સેપ્ટ કિયા और धीरे धीरे वो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेंजर और चैट से आपस में बातचीत करने लगे। कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को एक फ्री महंगा उपहार देने का प्रपोज किया, जिसे शिकायतकर्ता ने मान लिया। और उसके अगले दिन एक व्यक्ति ने अपने आप को कस्टम अधिकारी बताते हुए इस शिकायतकर्ता से कुछ कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए 1,00,000 रुपये पे करने को कहा, जो शिकायतकर्ता ने पे कर दिए। इसके बाद जब महंगा उपहार कस्टमर को शिकायतकर्ता को डिलीवर नहीं हुआ तो उसने 1 साल बाद नानी दमन पुलिस स्टेशन में शिकायत करी और उस पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया। धीरे धीरे समय इसमें 1 से 1.5 महीने के समय में पूरे बैंक अकाउंट्स को एनालाइज किया गया और बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए आखिरी में उस बैंक अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जहाँ से पैसा विड्रॉ हो रहा था, जो देश के अलग अलग हिस्सों से पैसा विड्रॉ हो रहा था। ऐसे करते हुए दमन साइबर पुलिस ने एक टीम दिल्ली की तरफ रवाना करी और उसके बाद उस एरिया में जाके जहाँ जहाँ पैसा विड्रॉल हुआ था उन जगह पे जाके उस एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रेकी करके एक नाइजीरियन नेशनल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से काफ़ी भारी मात्रा में सिम, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेशनल सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, डोंगल और पासबुक और चेकबुक्स रिकवर हुई हैं। इन नाइजीरियन नेशनल का नाम है बेसिल एडेके और साथ ही साथ उनके पास से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं खाते हैं। जो पासपोर्ट जिस जगह वो रह रहे थे उन्होंने जो पासपोर्ट की कॉपी दी है उसकी डेट ऑफ इशू अलग है और साथ ही साथ जिस वीज़ा पे वो आए हैं वो डेट ऑफ वीज़ा भी अलग है और वो ऑलरेडी एक्सपायर भी हो चुके हैं। तो ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं हैं और इसकी वेरिफिकेशन अभी आगे चल रही है। इसमें हमने अभी चीटिंग का, फॉर्जरी का और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अभी हमने सेक्शन इसमें लगाए। पब्लिक से सभी से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके का फ्री ऑफर को एक्सेप्ट ना करें और किसी अननोन अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें जब तक कि आप पूरी तरीके से वाकिफ नहीं हो जाते हैं कि ये जेन्युइन अकाउंट है और आपको जानने वाले व्यक्ति ने ही आपको रिक्वेस्ट भेजी है। हमारी लाइव न्यूज 24 चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ जेथी आवना न्यूज अपडेट्स नी नोटिफिकेशन आप सुधी सौथी पहला पहुंचे।